சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோபாயம் நமோ தூயே சௌசாரம் ஏசோ பஞ்ச நமோ யாரோ சௌபாவனாசனோ மங்களாணம் சௌவேதிம் படமோயி மங்களம் சத்தாரி மங்களம் சித்தாமங்கலம் சாஹு மங்களம் கேவலி பண்ணத்தோடம் மங்களம் சத்தாரிலோ உத்தமா அஹந்தாலோ உத்தமா சித்தாலோ உத்தமா சாஹுலோ உத்தமா கேவலி பண்ணத்தோடம் மூடுமோ சத்தாரி சரணம் பவஜாமி அரஹந்தே சரணம் பவஜாமி சித்தி சரணம் பவஜாமி சாஹு சரணம் பவஜாமி கேவலி பண்ணத்தம் தம்மம் சரணம் बालदेव पाठमाला भाग दो के आधार से देव स्तुति के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं और आज हमें दूसरे पाठ से चर्चा को आगे बढ़ाना है। पाठ में आए हुए कुछ सूत्रात्मक वाक्य भी थे, वे सुंदर वाक्य हैं जो पढ़ने योग्य हैं, याद करने योग्य हैं, ध्यान रखने योग्य हैं। इसमें सच्चे देव की परिभाषा बतलाई, फिर वीतरागी कौन होते हैं, सर्वज्ञ कौन होते हैं, हितोपदेशी कौन होते हैं, फिर कहा मिथ्यात्व का नाश किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, आठों ही कर्म दुख में निमित्त हैं, शुभाशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है, ज्ञानी भक्त आत्मशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ये सब बातें अपन कल देव स्तुति के अर्थ के संदर्भ में कर चुके थे। आज हम बात आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पाठ जिसका नाम है पाप। पाप जानते हैं पाप क्या होता है, लेकिन ये जो बात है ये बात बच्चों की स्टाइल में लिखी गई है। गहराई से भी हम चर्चा करेंगे, बड़े लोगों को भी कुछ ना कुछ मिले, कुछ गहराई से जानने का विषय, ऐसी भी हम चर्चा करेंगे। पिता और पुत्र का यह संवाद है और पुत्र ने यह पूछा कि पिताजी लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो क्या तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा, पाप का बाप है? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। लोभ पाप का बाप बखाना, पूजा की पंक्ति है ना, लोभ को पाप का बाप कहा गया है। बाप क्यों कहा गया है? क्योंकि लोभ के माध्यम से ही बाकी के पाप उत्पन्न होते हैं। पाप पांच कहे गए हैं यहाँ, पांच पाप के नाम तो याद होंगे ही सभी को, नहीं है ध्यान कौन करते, पांच हैं पाप। अभी सब यहाँ नाम वगैरह भी सब बतलाएंगे आगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, आप रिपीट कर लीजिए एक बार, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, आवाज़ ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये क्यों बुलवा रहे हैं ये पांच पाप के नाम, ये तो बच्चा बच्चा है। वापस बोलता हूँ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हाँ, अब ये जो पांच पाप हैं, माने हिंसा भी लोभ के कारण होती है, झूठ भी लोभ के कारण बोलता है, चोरी में तो लोभ साफ साफ ही झलकता है, कुशील सेवन में भी लोभ है और परिग्रह संचय में भी लोभ है, माने ये पांचों ही प्रकार के पाप लोभ से ही उत्पन्न होते हैं। यदि लोभ नहीं हो तो ये पाप भी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। फिर भी शिष्य ने प्रश्न किया, पुत्र ने प्रश्न किया कि भाई ये सबसे बड़ा पाप है क्या, तो कहा नहीं नहीं, इससे भी बड़ा एक और पाप है, माने लोभ तो पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का,
बाप का भी बाप है, माने लोभ का भी बाप है, माने वो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। ये मिथ्यात्व के कारण सारे पाप होते हैं, और वो मिथ्यात्व दिखता नहीं है हमारे को। प्रश्न भी किया है इन्होंने, यहाँ आगे चर्चा भी उठाई है कि ये मिथ्यात्व किसका नाम है, क्या है मिथ्यात्व का, क्या स्वरूप है, ये सब बातें अभी हम करने वाले हैं। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। आलोचना पाठ की एक लाइन की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को याद है जो पुराने लोग हैं, हिंसा पुनी झूठे जू चोरी पर वनिता सौंद्रग जोरी आरंभ परिग्रह कीने अघ पाप जुया विधि कीने। फिर क्या कहा, ये जो पाप हैं इन पाप के संदर्भ में और अलग लाइन, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के वश होए घोर अघ कीने वचते नहीं जाए कहीने। अर्थ समझ में नहीं आया होगा, देखो बताता हूँ। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान, ये जो पांच है ना, ये सब कहा कुनय के भेद हैं। कुनय, कुनय मतलब होता है मिथ्यात्व। कुनय माने क्या है, मिथ्यात्व। वापस बोलो अब लाइन। और अघ माने होता है पाप। कुनय माने क्या कहा बेटा, मिथ्यात्व, और अघ माने पाप। अब वापस सुनना लाइन, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, ये सब कुनय के भेद हैं। और फिर आगे लाइन में क्या कह रहे हैं, वश होए घोर अघ कीने, माने इस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हमने घोर पाप किए हैं। वचते नहीं जाए कहीने, वाणी से उन पापों के बारे में कहा नहीं जा सकता है। ये मिथ्यात्व कैसा पाप है, इस मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, देखो पुत्र क्या कह रहा है आगे। पांच पापों में तो इसका नाम है ही नहीं, इनके नाम तो मुझे याद है, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ये तो मुझे याद है। कह रहा है ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसीलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। देखिए जब मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। और यदि मैं संसार मार्ग की बात पूछूं तो आप क्या कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार मार्ग है, ये संसार का मूल है। और मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना संसार परिभ्रमण छूटता नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है मिथ्यात्व, हम तो जानते ही नहीं है मिथ्यात्व क्या होता है, मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, मिथ्यात्व वाला पाप क्या होता है, मिथ्यात्व वाले पाप में किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, चोरी की जाती है, आखिर मिथ्यात्व वाला पाप होता क्या है, ये कैसा पाप है जिसको आप पाप का दादा कह रहे हो, पाप ही नहीं महापाप कह रहे हो। देखिए कह रहे हैं यहां, उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता का नाम है, और जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे, उल्टी मान्यता होगी तो पाप कैसे छूटेगा बताओ। मिथ्या माने होता है झूठ, हिंदी डिक्शनरी में आप मिथ्या शब्द को देखेंगे ना, ये बात तो मिथ्या है, माने झूठी बात है। मिथ्या माने झूठी बात, गलत बात, जो सही नहीं हो उसे कहते हैं मिथ्या। और इस मिथ्या के साथ में जोड़ दिया त्व, मिथ्यात्व,
त्व शब्द है मान्यता के लिए, त्व शब्द है भाववाची, मिथ्या त्व माने गलत धारणा, गलत मान्यता, गलत अभिप्राय, ये कहलाता है मिथ्यात्व। देखिए आप जगत में भी ये बात देखी जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में यदि हमारी गलत धारणा बन गई तो फिर वो आसानी से छूटती नहीं। किसी व्यक्ति को हमने मान लीजिए गलती से बुरा समझ लिया तो फिर वो बुरा ही दिखेगा हमारे को, जैसी धारणा हो जाती है ना वैसा ही दिखने लगता है। गलत फहमी जिसे कहते हैं, मुंबई में एक बार मैंने जो विविध प्रवचनों की श्रृंखला चलती है उसमें बॉम्बे में मैंने एक बार विषय लिया था भारतीय विद्या भवन में गलत फहमी, अलग अलग टॉपिक पे प्रवचन होते हैं, सिंगल सिंगल प्रवचन मुंबई के अलग अलग एरिया में जब उधर जाते हैं तब, तो एक प्रवचन का विषय था गलत फहमी। और गलत फहमी क्या चीज़ है? मिथ्यात्व, ये गलत फहमी है। मैं हूँ तो आत्मा और मान रहा हूँ अपने आप को शरीर, ये गलत फहमी है। सुख तो अपने स्वभाव में है, सुख तो अपने स्वरूप में है और सुख मान रहा हूँ पंचेंद्रिय विषय भोगों में, ये गलत फहमी है, इसका नाम मिथ्यात्व है। परमे सुख बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है, विषयों में सुख बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है, धन कमाऊं सुखी होऊंगा इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, शरीर के पीछे पड़े रहना इसका नाम मिथ्यात्व है, माने शरीर और आत्मा को एक समझना इसका नाम मिथ्यात्व है। दौलत राम जी ने छह डाला की दूसरी ढाल में इस प्रकार की चर्चा की है, तीसरी ढाल में उन्होंने चर्चा की ऐसी, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाहे। सुनिए ये लाइन कभी नहीं सुनी? मैं बताता हूँ, आप लोगों ने सबने सुनी है, पता है कहाँ सुनी है? भट्टारे जी की नशिया में थी, एक ही बैठक के लिए जब बाहर खड़े रहते हैं तब। क्या हमें नहीं मालूम लेकिन उन पंक्तियों का क्या अर्थ है, चलता रहता है बस मधुर धुन में चलता है, आवाज कान में पड़ती रहती है, अच्छा लगता है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदावे, ये लाइनें चलती है वहाँ, और दूसरी ढाल की पंक्तियाँ हैं तो जब वहाँ खड़े रहते हैं तभी दूसरी तीसरी ढाल ही चलती रहती है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा है, शरीर और आत्मा को एक समझना ये मिथ्यात्व है, ये पाप नहीं महापाप है, ये सबसे बड़ा पाप है, जो पाप हमें पाप जैसा ही नहीं दिखाई देता है। कहीं भी गलत फहमी यहाँ भी होगी, गलत फहमी तो कहीं भी अच्छी बात नहीं है ना। एक व्यक्ति को सड़क पर रोक कर एकदम चाटा मार दिया, ये क्यों? कि हमें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति धक्का दे करके आया है, और फिर बाद में पता लगा इसने दिया था, अब क्या होता। ऐसी गलत फहमी नहीं हो जाती है? कभी कभी किसी व्यक्ति को हमने गलत समझ लिया, और कभी कभी तो वो गलत फहमी जिंदगी भर चलती रहती है, और जब हमें पता लगता है तो अफसोस के अलावा और कुछ हाथ नहीं आता, इतना अफसोस होता है हमारे को, यार मैं जिंदगी भर इसके बारे में गलत समझता रहा। ये उस पाप के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों को समझाते हैं तो छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से इस मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं। एक पागल व्यक्ति, दो पागल व्यक्ति समझ लो आप, जंगल से गुजर रहे थे, और जेठ माह की गर्मी, उस भयंकर गर्मी में रास्ते में जंगल से जाते हुए वहाँ एक मंदिर दिखा उनको, क्या मंदिर दिखा, और अंदर मंदिर में भगवान बैठे थे, प्रतिमा थी। इतनी गर्मी में स्वयं बहुत परेशान थे, तो उन्हें लगा कि हम ही इतनी गर्मी में इतने परेशान हो रहे हैं, तो ये धूप में भगवान बैठे मंदिर है, कितने परेशान हो रहे होंगे। तो दोनों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, उधर छाया दिखाई दे रही है, इस मंदिर को धक्का देकर छाया में ले आते हैं। क्या विचार आया उनको? मंदिर को धक्का देते और धक्का देकर छाया में ले आते हैं, और उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया। क्या फिर क्या हुआ होगा? मंदिर खिसक गया होगा? मंदिर तो नहीं खिसका, लेकिन 4-6 घंटे की मेहनत के बाद घड़ी देखते हुए कहते हैं 6 घंटे लग गए मंदिर को छाया में लाने में। बोलो 6 घंटे में वो मंदिर छाया में आया है?
ये 6 घंटे में अपने आप वो धूप की जगह छाया हो गई। हमारी भी मान्यता कुछ इसी प्रकार की है, हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमने किया, मैं इससे सुखी हो गया, मैं इससे सुखी हो गया। ये कह रहे हैं तुम्हारी ये मान्यता गलत है भाई साहब, गलत प्रेमी में हो आप। जगत की कोई वस्तु तेरे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, दुखी भी करने में समर्थ नहीं है, एक बात समझ लेना। पर वस्तुओं के कारण तू सुखी होता नहीं है ये तो है ही बात, लेकिन पर वस्तुएं तुझे दुखी करने में भी समर्थ नहीं है। बोलो, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? अपनों का स्वर्गवास ये दुखी करने में कारण है या नहीं है? नहीं है। तेरे दुख का कारण पिताजी का स्वर्गवास नहीं है, क्योंकि अनेक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके स्वर्गवास के लिए माला जपते हो रोजाना। ऐसे भी तो दुनिया में लोग हो सकते हैं कि नहीं? सब तरह के लोग हैं ना दुनिया में, मार ही देते हैं, ऐसे भी तो लोग हैं। तो उनका मरण होना ये दुख का कारण है या सुख का कारण है? अरे वो एक परिस्थिति है, आपका जितना मोह होगा वो आपके सुख दुख का कारण बनेगा। उनका स्वर्गवास सुख दुख का कारण नहीं है। किसी भी अपने की बात समझ लीजिए, पिताजी की बात क्यों करो, बच्चे की बात समझ लो। पुत्र का स्वर्गवास हुआ, अब तो दुख होगा ना, उतना ही दुख होगा जितना मोह है। मोह का नाम है मिथ्यात्व, दर्शन मोह मिथ्यात्व कहलाता है। इस मिथ्यात्व को यहां सबसे बड़ा पाप कहकर के पुकारा है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, परिभाषा क्या हुई? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, याद रहेगी बात। और जब मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टी मान्यता किसी भी संबंध में हो सकती है, जिस विषय के संदर्भ में उल्टी मान्यता है वो मिथ्यात्व है। मैं बहुत विस्तार कर सकता हूँ इस मिथ्यात्व के संदर्भ में। 7 तत्व संबंधी भूल भी मिथ्यात्व है। फिर मिथ्यात्व के 2 प्रकार के भेद दिखाई देते हैं, एक ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित उल्टी मान्यता, देवी देवताओं से सुखी हो जाऊंगा ऐसी मान्यता, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और 7 तत्व संबंधी भूल, शरीर को आत्मा मानना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। चलिए खैर, उसकी डिटेल में नहीं जाना, मिथ्यात्व शब्द से आपको परिचय हो इसलिए मैंने इतनी बातें कही है। धीरे धीरे बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। नया शब्द था ना मिथ्यात्व, जो बालभूत भाग 1 में नहीं आया था, हैं? दूसरे भाग में अभी पहली बार आया है मिथ्यात्व। बिल्कुल नए लोगों को तो शब्द ही याद रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। चलो फिर क्या कह रहे हैं आगे, तो सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। देखिए, जैसे मिथ्यात्व था ना उल्टी मान्यता, और इसको हमने सबसे बड़ा पाप कहा, फिर कहा इसकी वजह से लोभ होता है, और लोभ जो है वो पाप का बाप है, उसकी वजह से 5 पाप खड़े होते हैं। ये सारे क्यों खड़े हुए? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हिंसा नाम का पाप क्यों हुआ? कि ये मर जाएगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे को बहुत परेशान करता है, इसको रास्ते से हटा दो। हिंसा का अर्थ सिर्फ किसी सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य गति के जीव को मारना ही नहीं है। बच्चों की दृष्टि से हिंसादि 5 पापों की यहाँ बहुत छोटी छोटी सी परिभाषाएं बतलाई है, जो मुझे मालूम है बड़ों को भी नहीं आती। क्या 5 पापों की परिभाषा, और 2-2 तरह से उन परिभाषाओं को बतलाया है। माने अभी जो 5 पाप कहे हैं उन 5 पापों को हम 2-2 प्रकार से देखेंगे। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं, किसी जीव को सताना मारना उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा है, इसकी खबर उसे नहीं है। समझ में आया क्या? कुछ क्या कह रहे हैं, 2 प्रकार की हिंसा हो गई। एक को कहते हैं द्रव्य हिंसा, दूसरे को कहते हैं भाव हिंसा। साध्य क्या याद रखना है, हिंसा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं?
किसी भी जीव को, मनुष्य नहीं, किसी भी जीव को मारना, सताना, दुख देना, उसका दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा में अकेला मारना पीटना, प्राण हरण कर लेने को तो द्रव्य हिंसा सारा जगत कहता है क्या? और मारना पीटना ये द्रव्य हिंसा नहीं है? कदाचित मारने पीटने को भी आप द्रव्य हिंसा कह दो, लेकिन सामने वाले का दिल दुखाना क्या भाव हिंसा नहीं है? ये द्रव्य हिंसा है भाई साहब। यदि हमारी वजह से सामने वाले का दिल दुखता है तो इसका मतलब ये हिंसा हो रही है। सावधान, हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत करें कि सामने वाले को सुनने में खराब नहीं लगे, उसे सुनकर बुरा नहीं लगे। वचनों की तो बात है, कठोर वचन नहीं होने चाहिए, हमारे वचनों में अकड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे वचनों में दादागिरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे वचनों को झूठ की श्रेणी में भी रखा है ज्ञानत राय जी। 10 लक्षण धर्म पूजन, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अभी, और कौन से धर्म का अर्घ? उत्तम सत्य धर्म का अर्घ क्या? और आज 9वीं है, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है क्या? 9वीं है ना, चैत्र शुक्ल 9वीं का दिन है आज। कल अष्टमी और 9वीं शामिल भी मान ली कुछ लोगों ने, तो कल रामनवमी कही गई। खैर, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन, और सत्य धर्म के अर्थ में क्या कहा है उन्होंने ध्यानत राय जी ने? कठिन वचन मति बोल, पर निंदारू झूठ तज। क्या कहा साहब? कठोर वचनों को यदि आपने कहा है, पर निंदा यदि आपने की है, ये सारे वचन झूठ की श्रेणी में जाते हैं। यहां भाव हिंसा के संदर्भ में कह रहे हैं, दूसरे का दिल दुखाना भाव हिंसा है। परिभाषा बोलिए एक बार, द्रव्य हिंसा की परिभाषा मैं बोलता हूं, रिपीट करना। किसी जीव को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा कहलाता है। किसी जीव को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा कहलाता है। ठीक है, भाव हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति को भाव हिंसा कहते हैं। गड़बड़ा है, कोई बात नहीं, वापस बोलता हूं। आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति को भाव हिंसा कहते हैं। माने भाव हिंसा बाहर में नहीं होती, भाव हिंसा अंदर में होती है, भाव हिंसा अपने परिणामों में होती है। अरे ये जैन धर्म की हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में यूनिक व्याख्या है, जो दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। ये जैन शासन की पंक्ति नहीं है, ये जैन शास्त्रों की पंक्ति नहीं है। जगह जगह आपको जैन प्रतीक के नीचे अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन किसी भी जिनागम में, किसी भी जैन शास्त्र में अहिंसा परमो धर्म में इस उक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। पूरी रिसर्च पूर्वक कहता हूं दीपेश जी, है ही नहीं प्रयोग। अहिंसा परम धर्म तो है, अहिंसा उत्कृष्ट धर्म तो है, अहिंसा महान धर्म है। जैन धर्म की अहिंसा बहुत अद्भुत है और विलक्षण है, लेकिन ये जो सूक्ति है, ये सूक्ति महाभारत की है, जैन शास्त्रों की नहीं है। हाँ, अरे बहुत जगह मिलेगा। 2 दिन बाद महावीर जयंती का जुलूस निकलने वाला है, अहिंसा परमो धर्म बैनरों पर मिलेगा कि नहीं बोलो? लेकिन अहिंसा परमो धर्म को समझते हैं आप? बहुत सालों पहले की बात बतला रहा हूं, बहुत साल क्या, 1997 की बात है क्या, अहिंसा और अहिंसा के संदर्भ में पर्सनल चर्चा हुई मेरी विद्यासागर जी आचार्य ऋषि से, आधा पौन घंटे चर्चा हुई हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में, व्यक्तिगत 4-5 लोग बैठ करके, और वो थे बहुत, आधा पौन घंटा, प्रभाकर जी सेठी थे, रमेश जी थे, लवान वाले, हम लोग सब। 1997 जून की बात है, और डेट भी बतला सकता हूँ मैं, माने ये बात है 25-26 जून की, और निमावर में थे उस समय वो। हिंसा और अहिंसा किसका नाम ये बताओ, अहिंसा किसे कहें हम? बहुत प्रश्न किए मैंने उनसे, उन्होंने जवाब दिए उन्होंने, और मुझे बहुत संतुष्टि हुई, क्योंकि उससे पहले ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक हमारे को याद थे।
अप्रादुर्भाव है खलु रागादीनाम भवत्ये हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। क्या अप्रादुर्भाव है? 1200 साल पहले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में लिखते हैं, अहिंसा की ऐसी व्याख्या जैसी व्याख्या अमृत चंद्र आचार्य ने की है पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी। ये जैन दर्शन की यूनिक विशेषता है, विलक्षण है ये बात। सारी दुनिया ये कहती है हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये पाप है। और जैन दर्शन ये कहता है मन में यदि राग भी उत्पन्न होता है तो हिंसा है। कौन कहेगा ये बात? अप्रादुर्भाव है। सारे जिनागम का सार बतला दिया अमृत चंद्राचार्य ने। अप्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव कहते हैं उत्पन्न होना, अप्रादुर्भाव है उत्पन्न नहीं होना। अप्रादुर्भाव है खलु रागादीनाम भवति अहिंसा इति, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने को अहिंसा कहते हैं। तेषा में उत्पत्ति हिंसेति, इनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। जिनागमस्य संक्षेप है, ये सारे जिनागम का सार है, ये द्वादशम का सार है। रागादि भावों की उत्पत्ति होने को हिंसा कहना क्या मतलब है? दुनिया बाहरी हिंसा को हिंसा कहती है। जैन आचार्य ये पकड़ते हैं गहराई से, नहीं भाई साहब आप गलत फहमी में, हिंसा बाहर नहीं है, हिंसा अंदर उत्पन्न होती है। मन वचन और काय तीन की चर्चा करते हैं हम लोग। काय से होने वाली हिंसा ये बाहरी हिंसा है, जैसे गवर्नमेंट रोकती है आप हिंसा नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते, आप सड़क पर किसी व्यक्ति से मारपीट नहीं कर सकते, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी आप। गवर्नमेंट रोकती है, इसका मतलब बाहर में होने वाली द्रव्य हिंसा, शरीर के माध्यम से होने वाली द्रव्य हिंसा, उससे हम इसलिए बचते हैं क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यह है काय से होने वाली द्रव्य हिंसा। एक है वचनात्मक द्रव्य हिंसा, जान से मार दूंगा, इतना पीटूंगा ध्यान रखना, यह क्या है? वचनात्मक हिंसा। लेकिन यह हिंसा भी आप बहुत कम करते हैं। क्यों? आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपनी भाषा यदि मैंने सही नहीं रखी तो लोगों को बुरा लगेगा और मेरी बदनामी होगी कैसे बोलता हूं। तो समाज के डर से हम भाषा को सुधारते हैं। जो पाप बाहर में होते हो उन पापों से हम इसलिए छूटते हैं, बचते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सजा देगी। जो पाप वचनों के माध्यम से होते हो हम उनसे इसलिए बचते हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो पाप हमारे मन में उठते हो उनसे कौन बचाएगा? बोलो, हम स्वयं ही है ना उनसे बचने वाले, तो स्वयं को ही बचना पड़ेगा ना हमारे को। तो आचार्य देव कह रहे हैं काय से जितनी हिंसा होती है उससे कई गुना ज्यादा हिंसा इस दुनिया में वचनों से होती है, और वचनों से जितनी हिंसा होती है उससे कई गुना ज्यादा हिंसा लोगों के मनों में होती है। तो यदि आपको जगत में हिंसा को रोकना हो तो पहले मन बदलना पड़ेगा। क्या? जिनके मन में हिंसा उत्पन्न होगी वो वचन में आएगी, वचन में हिंसा उत्पन्न होगी तो काय में आएगी, और हिंसा यदि मन में ही उत्पन्न नहीं होगी तो वचन में कहाँ से आएगी, और वचन में ही उत्पन्न नहीं होगी तो काय में कहाँ से आएगी। कोई भी काम शरीर से होने के पहले वचनों में आता है, और शरीर और वचनों से काम होने के पहले मन में होता है। मन पर रोक लगाने की बात की है यहाँ, मन को संभालो, मन को कंट्रोल में करो। ये आचार्य देव क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भाव हिंसा की परिभाषा बतला दी है, आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, देवी हिंसा है वो, भाव हिंसा है, इसकी जगत के जीवों को खबर नहीं। मोह भी हिंसा है, क्या बात कर रहे हो आप, मोह भी हिंसा है, राग भी हिंसा है, प्रेम भी हिंसा है। कि हाँ भाई ये बहुत उत्कृष्ट व्याख्या है, इस जिनागम की बहुत गहरी व्याख्याएं हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति को हिंसा कहना ये जन सामान्य को कहने जैसी नहीं है, और लोगों के समझ में भी नहीं आएगी कि प्रेम से रहो ये भी हिंसा है। कौन माने बोलो इन बातों को, सच्चाई तो है भाई साहब।
गहराई में जाकर के, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को और उनकी गाथाओं को, उनके श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे घर की बात नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जो बात मेरी होगी या जो बात मेरी मान्यता के अनुसार होगी। जितनी बातें यहाँ कहूँगा सारी बातें शास्त्रों के अनुसार होगी, सारी बातें आगम के अनुसार होगी, जनवाणी के अनुसार होगी। एक एक बात का प्रूफ होगा, एक एक बात का प्रमाण होगा। आगम प्रमाण के बिना कोई बात नहीं करेंगे हम, और आगम सबके लिए शिरोधार्य है, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं यहाँ हैं, तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। सभी कषायें हिंसा है, कषायें अर्थात राग द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। दोनों प्रकार की हिंसा समझ में आ गई। देखो भाई, आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि राग द्वेष उत्पत्ति को हिंसा कहेंगे तो फिर झूठ का क्या होगा, फिर चोरी का क्या होगा, उसमें भी तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भी हिंसा है क्या? तो वहीं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ऐसे श्लोक दिए हैं, आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल उदाहरणम् शिष्य बोधाय। आत्म परिणामों की हिंसा होने से सब हिंसा ही है, झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, परिग्रह संचय भी हिंसा है। तो फिर ये इतने नाम क्यों दिए? ये तो शिष्यों को समझाने के लिए दिए, ऐसी बातें कही है वहां। फिर देखो आप, जब इतनी बातें कही तो एक प्रश्न और उठाया, मानो शिष्य ने ऐसी बात कही हो कि साहब ये तो आपने गजब बात कह दी, भाव हिंसा ही असली हिंसा है, उसी से बचना है, राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं, तो फिर एक काम करें, अंदर में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देवें और बाहर में आलू प्याज जमीकंद कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है, राग द्वेष नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि वो तो द्रव्य हिंसा है, द्रव्य हिंसा तो बाहर ही है, असली हिंसा तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति है ना, तो फिर क्या करें बोलो। तो आचार्य देव ने कहा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाए तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्ध ये तदपि कार्या। कहने का अभिप्राय क्या है भाई साहब? आपकी बात बिल्कुल सही है, पर के कारण हिंसा नहीं होती, वो द्रव्य हिंसा है, उसमें कुछ इतनी विशेष बात भी नहीं है, किंतु राग द्वेष भावों की उत्पत्ति के बिना द्रव्य हिंसा संभव नहीं है क्या? और परिणामों की विशुद्धि के लिए जमीकंद का भी त्याग करना, रात्रि भोजन का भी त्याग करना और बाहरी हिंसा को भी छोड़ना, इसके बिना आपके परिणामों की विशुद्धि नहीं हो पाएगी। परिणाम विशुद्धि के लिए कैसे हिंसा, अहिंसा की व्याख्याएं कितनी बारीकी से वहां व्याख्या की है, अहिंसा का स्वरूप बतलाया है, असली अहिंसा को समझो, और असली अहिंसा जिनके जीवन में उतरती है उनके जीवन में बाहरी हिंसा नहीं होती। और देखो इस हिंसा के पीछे उस मूल पाप की बात करता हूं, एक व्यक्ति के माध्यम से किसी की हत्या हो गई, मैं आपसे पूछता हूं उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या सजा मिलेगी? उम्र कैद फांसी, यही सजा है ना, गवर्नमेंट यही सजा देगी ना। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने कानून में केस चला और केस चलने के बाद में उस व्यक्ति को भाई जब बरी कर दिया गया, पता है क्यों? क्योंकि जिसकी हिंसा हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसको मारने के पीछे उसका इंटेंशन नहीं था। भाई जब बरी हो सकता है ना, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, किसी के द्वारा कुछ अत्याचार किए जाने पर और उसके बचाव में यदि हमारे माध्यम से सामने वाला व्यक्ति मर जाता है तो फांसी की सजा होगी कि नहीं हमारे को? नहीं होगी। भाई जब बरी हो सकते हैं आप, कारण क्या है उसके पीछे? हिंसा तो हुई है लेकिन इंटेंशन नहीं था, उस इंटेंशन का नाम है मिथ्यात्व। मारने के अभिप्राय का नाम है मिथ्यात्व, मैं मार सकता हूं इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व, ये महापाप है। देखो भाई सीधी सी बात है, जैन दर्शन कर्म सिद्धांतों की बात करता है, कर्म फिलोसॉफी है ना जैन दर्शन। कोई व्यक्ति ने किसी जीव को मारा, मारने की प्लानिंग की, हमने बहुत प्लानिंग की, मैं इसको मार दूंगा, हमारे द्वारा जो ये प्लानिंग की गई है, इस प्लानिंग का नाम जो दिमाग में हुई है उसका नाम तो है भाव हिंसा। आज जो प्लानिंग दिमाग में हुई है, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, जो दिमाग में चल रहा है वो तो कहलाएगी भाव हिंसा। और अब उसके प्लानिंग के आधार पर
हमने तीर चलाया, धनुष चलाया, तलवार चलाई, बंदूक की गोली चलाई, जो कुछ भी किया वो कहलाएगी द्रव्य हिंसा। अब ध्यान देना इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे द्वारा गोली चलाने पर, हमारे द्वारा प्रहार करने पर सामने वाला व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के खुद के आयु कर्म के उदय पर। खुद की भी तो आयु लाया है ना वो। यदि उसका आयु कर्म शेष होगा तो तुम कितनी भी मारने की प्लानिंग करो तुम मार नहीं पाओगे। पौराणिक उदाहरणों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं तो मैं कह सकता हूं कौरवों ने पांडवों को कितनी बार मारने के प्रयास किए, पांचों पांडवों बोलो, लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया, वनवास में वहां भेज दिया, और मालूम क्या क्या प्लानिंग की, पूरा पूरा लाख का मकान बनाया और उस महल में उनको शिफ्ट किया और उस लाख के महल में आग लगा दी और पूरे वो जल करके भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, मरे कि नहीं मरे, क्यों नहीं मरे, उनकी आयु शेष थी। जिनकी आयु बची हुई हो उनको कौन मार सकता है दुनिया में। इसका मतलब आपके द्वारा की गई द्रव्य हिंसा ये आपके आधार पर नहीं है, सामने वाले की आयु पूरी होगी तो मार पाओगे, नहीं तो नहीं मार पाओगे। समझ में आ रही है बात। लेकिन मारने के भाव करके, मारने की प्लानिंग करके आपने हिंसा का पाप तो बांध लिया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिसमें हिंसा और अहिंसा की बहुत व्याख्या की, हमने चलाया था यहाँ बहुत साल पहले, याद आ रहा है मेरे को, ये सन 1999 के आसपास की बात है, पूरा सभा में चलाया है यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ मैंने शुरू से लेकर के आखिरी तक बहुत चर्चाएं, मेरे को वही सारी बातें ध्यान आ रही है। एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की गई, मारा नहीं, और मारने के पाप का फल पहले ही भोगने में आ जाए। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आज किसी व्यक्ति को मारने का विचार किया और 10 साल तक मारने का विचार करता रहा, प्लानिंग करता रहा, सोचता रहा कि यार मौका मिल नहीं रहा है मेरे को, मिल नहीं रहा है मेरे को, और वो 10 साल के अंदर जो पहले दिन जो विचार किया था ना हिंसा करने का, उस हिंसा का फल पहले ही भोग लिया। ये अंधा कानून नहीं है क्या, या ये कानून अंधा नहीं है, आपने जो भाव किए हैं आपको आपके उन भावों का फल तो मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति मरे या ना मरे बोलो, ऐसे ऐसे प्रकार अलग अलग प्रकार की हिंसा की चर्चा की है, बहुत मार्मिक प्रकरण है वहां, मूल में पढ़ने योग्य। परीक्षा भी दी थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, आपने दी थी क्या, पूरा पढ़ाने के बाद परीक्षा ली थी मैंने, सर्टिफिकेट भी होंगे शायद आप लोगों के पास। हिंसा और अहिंसा समझ में आ रही है क्या चीज है, मूल में राग द्वेष उत्पन्न हुए, मूल में अंदर में भाव हुआ और उसके भी अंदर में हमने बात कह दी इंटेंशन, जिसे कह दिया गया मिथ्यात्व, वो असली पाप है, वो जिसके पकड़ में आ गई। बोलो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले को क्या दिखाई देगा कि इसने हत्या की है, कैमरे की रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, हत्या इसने की है, तो फिर उसको बरी क्यों कर दिया गया। उसको इसलिए बरी कर दिया गया कि हिंसा दिखने पर भी सच में वो उसको मारना नहीं चाहता था, ये भाव दिख रहा है। जनागम भी उन्हीं भावों को पकड़ता है, जब फैसला सुनाने वाले मजिस्ट्रेट गहराई से उन भावों को पकड़ सकते हैं तो जैन दर्शन का सूक्ष्म कर्म विज्ञान या आपके सूक्ष्म भावों को नहीं पकड़ता। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव है भाई साहब, आप कर्मों से बच नहीं सकते हो, 24 घंटे बंद रहे हैं, 24 घंटे नॉन स्टॉप आपके परिणामों से सोते उठते जागते खाते पीते हर समय। इसलिए हम ये कहते हैं भाव हमेशा सही रखना, अच्छे रखना। और दूसरा वाक्य दीपेश जी ध्यान रखना, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। बोलो क्या करना, दूसरे के लिए भाव बिगाड़ के हमने उसका क्या बिगाड़ लिया, अपना ही भाव बिगाड़ेंगे हम। इसलिए भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो भाव तो अपना ही बिगड़ेगा, बी अलर्ट, सावधान रहो। भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कहो, सबके बारे में अच्छा, बस। हिंसा की परिभाषा हो गई, झूठ की तरफ बढ़े आगे, झूठ कहकर के क्या कहना चाहते हैं देखिए, जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही न कहना झूठ है, इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है। क्या पिता
जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना तो झूठ है ही। साथ ही जब तक हम सही बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा। बहुत मार्मिक बात यहाँ कह दी गई है। ध्यान देना, इन पंक्तियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या कहा है? आपको लग रहा है बच्चों की बातें? आपको लग रहा है बालबोध पाठमाला की बातें चल रही है? आपको लगता है समझने योग्य है या नहीं है? अजय भैया बोलो, है ना समझने योग्य बातें? हिंसा की परिभाषा याद है ना आप लोगों को? हिंसा की परिभाषा बोलो पहले। पहले हिंसा कितने प्रकार की है बताओ? पहली, दूसरे प्रकार की भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। भाव हिंसा, आत्मा में यदि मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे भाव हिंसा कहते हैं। अब झूठ की बात शुरू की। यहां झूठ की परिभाषा क्या है? द्रव्य झूठ, जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना वो झूठ कहलाता है। क्या कहा? जैसा देखा जाना और सुना हो, चावड़ा जी साहब, जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना ये झूठ कहलाता है। ये द्रव्य झूठ की परिभाषा है। किंतु बहुत मार्मिक बात यहाँ कही है, सत्य बोलने के पहले सत्य समझना जरूरी है। क्या? जैसा देखा जाना और सुना हो और जब वैसा ही यदि हमने कह दिया तो सच हो जाएगा क्या? बोलो अबे भैया, जैसा देखा जाना सुना वैसा ही कह दिया तो सच हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। बताए क्या हुआ? बालक छोटा था ना, तो एक दिन बोला आकर के कि पापा पापा आज तो सूर्य है ना वो पश्चिम से उगा है। पश्चिम से उगा है? मैंने कहा नहीं बेटा, जो सूर्य होता है वो तो हमेशा पूर्व से ही उगता है, पश्चिम नहीं। पापा मैं सच कह रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने सुना था अभी वो अंकल उनको कह रहे थे कि आज क्या सूर्य पश्चिम से उगा है क्या? आज आप हमारे घर आए क्या? आज आप इधर कैसे आ गए? आज तो पश्चिम से सूर्य उगा है क्या? अब ये बात किसी बालक ने सुनी और जैसी सुनी वैसे ही कह दी तो सच है कि झूठ है? देखो शब्द सच हो सकते हैं लेकिन बात तो झूठ है, बात तो झूठ है ना। इसलिए क्या समझना? सच बोलने के पहले सच समझना आवश्यक है और सत्य को समझना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। हमने किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, कहीं हमने ये बात पढ़ ली, कहीं देख ली, कहीं सुन ली, और यही बात हम यदि किसी और को कहें तो क्या हिंसा में धर्म कहना ये सच हो जाएगी? बात झूठ बात है ना भाई, ये तो ये सच कैसे हो सकती है? इसका मतलब पहले समझो बात क्या सही है, पहले समझो जैन धर्म क्या कहता है, पहले समझो वस्तु स्वरूप क्या है, फिर उस बात को समझकर जब आप कहेंगे तो आपकी बात सच्ची होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? सुनना भाई, सच की परिभाषा क्या है? जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही कह देना ये सच है, और इसके अलावा कुछ का कुछ कहना सो झूठ है। और ये भी हम सब जानते हैं कि एक झूठ को बोलने के पीछे हमें 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं उसको छिपाने के लिए। मेरा प्रश्न आप सभी से है सभा में, बोलो सच बोलना आसान है या झूठ बोलना आसान है? बोलो साहब, बोलो लोकेश, सच बोलना आसान है? अभी अभी देखो बात, हमें लग रहा है सच बोलना आसान है, हमें ऐसा लग रहा है सच बोलने में क्या दिक्कत है? जैसा देखा है, जैसा जाना है, जैसा सुना है वैसा ही बोल दो, यही तो सच है सच बोलना। और झूठ बोलने के लिए तो भाई साहब एक बार बोल दोगे तो फिर पता नहीं उसको छिपाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचने पड़ेंगे, फिर ऐसा नहीं ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर मैंने तो ऐसा कहा था, फिर ऐसा हुआ था, दुनिया भर की बातें दिमाग में घूमेगी। तो हमें लगता है झूठ बोलना तो बहुत कठिन काम है, सच बोलना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं, झूठ बोलना बहुत आसान है।
ये जो आपको जितनी परेशानी दिख रही है, ये परेशानी झूठ बोलने में नहीं है, ये परेशानी तो झूठ को सच बनाने में है। झूठ बोलने में कहाँ परेशानी। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जयपुर तो प्रसिद्ध है, आमेर हमारा क्षेत्र है बहुत सुंदर, यहाँ बहुत सारे हाथी हैं। कितने हाथी हैं भैया, कितने हैं साहब? आप तो समाज में बहुत सक्रिय हैं, जयपुर के बहुत प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। बताइए जयपुर में कितने हाथी हैं? है कितने? 290? 175 का ही ध्यान है मेरे को तो। क्या आप क्या कह रहे हैं, 180? भाई साहब आप बिना समझे बिना जाने जो भी बोलेंगे सब झूठी होगा, झूठी होगा बिना समझे बोलेंगे तो। मैं आपसे पूछता हूँ एग्जैक्ट टाइम बतलाना, सूर्योदय का टाइम कितने बजे का है, कितने बज के कितने मिनट का है? क्या पता सब आजकल लगभग तो बता सकते हैं आप, एग्जैक्ट टाइम बतला सकते हैं? एक सेकंड, दो मिनट रुको आप, एक मिनट गूगल करके बतलाता हूँ जयपुर में कितने बजे सनराइज हुआ था। माने देखो आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि सच आपको पता नहीं है और झूठ आप बोलना चाहते नहीं। यही बात है कि नहीं? सच बोलना जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ ये कह रहे हैं सच बोलने की जिम्मेदारी यदि आपको निभाना है तो आपको सच को समझना पड़ेगा, आप गहराई से उस सत्य बात को समझो, इसलिए यहाँ ये वाक्य कह दिया गया। क्या कहा है? जैसा देखा जाना सुना हो वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना तो झूठ है ही, साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा। जैसा देखा जाना और सुना वैसा कह दिया, बस छुट्टी। नहीं भाई, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? इसीलिए तो कहते हैं सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। समझ में आ गई बात? इस तरह से हमने पांच पापों में हिंसा और झूठ, इन दो पापों के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आज की है। कोशिश करेंगे कि कल बाकी के तीन पापों की चर्चा हम पूरी कर पाएं। अभी की बात तो मैं यहीं